बच्चों लेट्स सी द क्वेश्चन, जिसमें दिया है रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए प्लस बी माइनस सी एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस ए माइनस बी प्लस सी बराबर जीरो, ए बी सी बिलोंग्स करते हैं क्यू, देन हमें बताना है कि इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो हमने आपको कंडीशन बना बताई थी क्या, कि डी बराबर जीरो होना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट, और अगर रेशनल के लिए या किसी भी कंडीशन के लिए चेक करना पड़ेगा, और डी बराबर क्या होता है मेरा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो इसको अपन इसमें वैल्यू स्पोर्ट कर देंगे तो मेरा हो जाएगा कितना है ये बी, क्या हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा मेरा ये फोर ए स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर माइनस फोर, ये हो जाएगा ए प्लस बी माइनस सी। ठीक है, और कितना हो जाएगा मेरा बच्चों, ये हो जाएगा ए माइनस बी प्लस सी। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा फोर, अंदर कॉमन आया क्या ए स्क्वायर माइनस का आ जाएगा अंदर, ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा, और यहाँ पे इसको अपन सॉल्व कर देंगे तो मेरा हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा मेरा फोर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा बी माइनस सी का स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, इधर बचेगा मेरे पास फोर बी माइनस सी का स्क्वायर बच्चों। ठीक है, तो डी बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास, डी बराबर मेरे पास आ जाएगा फोर बी माइनस सी का स्क्वायर, एक परफेक्ट स्क्वायर है ये दो का स्क्वायर, और बी माइनस सी तो एक स्क्वायर है, तो ये क्या कहलाएगा मेरा, एक रैशनल कहलाएगा, क्या कहलाएगा, रैशनल कहलाएगा। थैंक यू।